अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन. ओके, लेट्स गिव मी सम आंसर. व्हाट इज एन एपोस्ट्रोफ एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफ, मीन वी वेयर वी यूज इट. ओके, दिस इज योर फीडबैक क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन वॉइस मैसेजेस और ऑल्सो यू मे गिव द आंसर इन टेक्स्ट मैसेजेस. सॉरी. वीक नंबर 9, प्लानर नंबर 18 एंड 19. इट इज़ अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्टिविटी. वी विल इंशाल्लाह ताला डू दिस एक्टिविटी इन स्कूल. एंड नाउ कम टू द लेसन नंबर, प्लानर नंबर 19, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब, वर्क बुक पेज नंबर 54-55. ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द एक्चुअली प्रेडिकेट, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब. ओके, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ठीक है, सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है, वो वर्ड भी हो सकता है, एक लफ्ज भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी दो तीन सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में बताते हैं. मीन इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. इट इज नाउन और प्रोनाउन. ओके, सिंपली प्रेडिकेट इज अ वर्ड दैट, प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि प्रेडिकेट में पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, ये बताता है हमें. आ प्रेडिकेट मस्ट हैव आ डूइंग वर्ब. एक प्रेडिकेट जो होती है उसमें एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. दीज आर द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो यू हैव टू लर्न इट एज सेम एज रिटन हेयर. ओके, नाउ लेट्स चेक द एग्जाम्पल ऑफ इट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एज यू नो दिस इज द सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन. ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ सब्जेक्ट, राइटिंग इज वर्ब एंड स्टोरी इज ऑब्जेक्ट. नाउ वट इज द प्रीडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. दे आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट. ओके, वो गली में खेल रहे हैं. अब आपको बताया गया है कि जिस पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. सो दे, दे इज़ सब्जेक्ट. अब क्या खबर दी जा रही है आपको? प्लेइंग इन द स्ट्रीट, खेल रहे हैं वो गली में. सो दिस इज़ द प्रीडिकेट. फाइन, नाउ क्वेश्चन, नाउ सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट्स. आप इसमें सब्जेक्ट को सर्कल करेंगे और प्रीडिकेट जो है वो अंडरलाइन कर देंगे. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, द बॉय क्लाइम्ड द माउंटेन. एज आई सेड दैट द पर्सन हु इज़ वर्किंग द समथिंग इन द सेंटेंस is subject. So who is climbing? The boy. So the boy is subject. You have to encircled it. And climbed the mountain is predicate. यानी इसमें बताया जा रहा है और देखें इसमें verb भी है. ठीक है, उन्होंने कहा था आ predicate must have आ doing verb. ठीक है, तो यहाँ पर देखें climbed mountain जो है वो क्या है, वो mountain यानी पहाड़ चढ़ रहा है. ठीक है, कौन चढ़ रहा है? The boy, subject. नंबर 2, द मैन इन द कार वोर अ फाइन कैप. वो जो मैन था गाड़ी में, उसके पास उसने बड़ी अच्छी एक टोपी पहनी हुई थी. कौन? हु वोर द कैप? द मैन. सो द मैन इज सब्जेक्ट एंड इन द कार वोर अ फाइन कैप. दिस इज़ द प्रीडिकेट. दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट द मैन. सो दिस इज़ द प्रीडिकेट. नंबर 3, द बर्ड इन अ ट्री नियर बाय वॉज बिल्डिंग अ नेस्ट. This is also all the predicates you have to underline it and the bird is subject. For the birds sing sweetly in the trees. Now the birds are subject and all the rest sentences predicate. Number 5, it was a very cold for morning in January. ठीक है, it is subject यानी morning के बारे में बात हो रही है, तो obviously morning जो है subject है और बाकी सारा predicate है. Okay. Now next question is underline verb and circle objects. अब हम यहाँ पर verb की और subject की बात कर रहे हैं. पहले subject और predicate का था और अब यहाँ पर आपके verb हैं और आपके objects हैं. तो boys kick the football. Now you know very well what is the verb. So the kick is verb and the football is
ऑब्जेक्टिव. द मैन सॉ अ घोस्ट. मैन ने क्या देखा? सॉ वर्ब घोस्ट जिन देखा ऑब्जेक्ट. थ्री द गर्ल प्लेड क्रिकेट. प्लेड वर्ब क्रिकेट ऑब्जेक्ट. नंबर फोर 14 गर्ल्स सेंग द नेशनल एंथम. सेंग जो है वो है वर्ब. नेशनल एंथम इज ऑब्जेक्ट. ओके नंबर थ्री क्वेश्चन अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड सर्कल ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देना है? सर्कल कर देना है. द कैप्टन एंड आई इज सब्जेक्ट. आ प्लान इज ऑब्जेक्ट. वी सब्जेक्ट. मीट बिस्किट मोर चिप्स आर ऑब्जेक्ट्स. यस्टरडे उमर. उमर इज सब्जेक्ट. सेंट मी अ सरप्राइजिंग गिफ्ट. गिफ्ट इज ऑब्जेक्ट. होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द लेसन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क बाय आस्किंग इन वॉइस मैसेजेस. बेटा यू आर अलोड. यू इफ़ यू डोंट सेंड योर मैसेजेस सो इट्स अप टू यू बेटा. वी ऑल आर हेयर. वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर आंसर एंड फॉर योर फीडबैक. सो प्लीज़ लर्न द लेसन एंड गिव योर फीडबैक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर गाइडलाइन यू मे टेक्स्ट अस. थैंक यू.